सवाल देखिए, बोलता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स है वो रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा कौन सा एक्ट के जरिए। तो पहला ऑप्शन है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, दूसरा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तीसरा है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, चौथा है आपका ऑल द अबव। जो सही ऑप्शन है इस केस में वो क्या है, आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बोलते हैं देयर इज अ डिसऑनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अकाउंट ऑफ ए कस्टमर, द पनिशमेंट एज पर प्रोविजंस ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 इज। बोलता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का इंस्ट्रक्शन है अगर वो डिसऑनर हो जाता है अकाउंट से कस्टमर का, यहाँ पे पनिशेबल, यहाँ पे आपको पनिशमेंट मिलता है जो प्रोविजन डाला हुआ है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के द्वारा। तो क्या है, पहला इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year and fine equal to amount mentioned in the payment instruction, दूसरा imprisonment up to 2 years and fine equal to amount mentioned in the payment instruction, तीसरा imprisonment up to 1 year and fine equal to double the amount mentioned in the payment instruction, चौथा imprisonment up to 2 years and fine equal to double the amount mentioned in the payment instruction। जो सही ऑप्शन है इस केस में वो क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी imprisonment up to 2 years and fine equal to double the amount mentioned in them पेमेंट इंस्ट्रक्शन। तीसरा सवाल देखिए, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नेसेसरी फॉर ए बैंक टू बी फुलफिल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नेसेसरी फॉर ए बैंक टू बी फुलफिल्ड, टू बी मेंबर ऑफ सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम आरटीजीएस नेफ्ट ऑफ आरबीआई। पहला ऑप्शन, उसमें पहला पॉइंट है मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% है, दूसरा नेट एनपीए बिलो 5% है, तीसरा है मिनिमम नेटवर्क ऑफ रूपीज 25 करोड़ है, चौथा है प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। पहला ऑप्शन है इसमें, इसमें बताने चारों पॉइंट कौन से पॉइंट सही हैं। तो पहला ऑप्शन है 1-4 ऑल पॉइंट सही हैं, दूसरा 1-3 मतलब 1-3 पॉइंट केवल सही है, तीसरा आपका 1 and 3 ओनली, दूसरा है चौथा है 2 and 3 ओनली। तो सही ऑप्शन है इस केस में वो क्या हो जाएगा, आपका 1 and 2, 3 ओनली। चौथा सवाल देखिए, आउटवर्ड ट्रांजेक्शन चार्जेस फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT आर नॉट करेक्टली स्टेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। बोलते हैं जो आउटवर्ड ट्रांजेक्शन चार्ज करते हैं आप नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का, वो करेक्टली नहीं बताया हुआ है। ये जो जो अभी आपको ऑप्शन दिखे उसमें करेक्टली नहीं बताया, चार ऑप्शन में कौन सा चार ऑप्शन आपको बताना है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। पहला है कि अप टू 10,000 रुपीज को 2.5 रुपए लगेगा, 10,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक को 5 रुपए लगेगा, 1,00,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक को 10 रुपए लगेगा, और 5 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट को 25 रुपए लगेगा। जो सही ऑप्शन है इस केस में वो क्या है, सी ऑप्शन है, यानी ये 1,00,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए के तक का जो 10 रुपए बता रहा है ये सही ऑप्शन नहीं है, गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। फिर अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT द कस्टमर्स कैन कंप्लेन टू ओम्बड्समैन इफ कंप्लेंट इज नॉट रिजॉल्व विद इन डेज। बोलता है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में अगर कोई भी ग्राहक है, कोई भी कस्टमर है, उसको वो कंप्लेंट कर सकता है बैंकिंग ओम्बड्समैन ने अगर बैंक उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करके देता है कितने दिन में। पहला ऑप्शन है 15 दिन, दूसरा ऑप्शन है 30 दिन, तीसरा ऑप्शन है 45 दिन, चौथा ऑप्शन है 60 दिन। तो सही ऑप्शन इस केस में वो क्या है, 30 दिन। फिर अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बैंक टू अफोर्ड क्रेडिट टू बेनिफिशियरी अकाउंट इमीडिएटली अपॉन कंप्लीशन ऑफ बैच और इज रिटर्न द ट्रांजेक्शन विद इन आवर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ बैच सेटलमेंट इफ क्रेडिट आर अनेबल टू बी अफोर्डेड। बोलते हैं जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है NEFT में होता है, जो उसमें बैंकर्स जो है, उसमें जो बैंक है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एक बैंक से दूसरे बैंक को क्रेडिट करता है पैसा, पर ये पूछ रहा है अगर, तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है पहला इमीडिएट, दूसरा हाफ एन आवर, तीसरा है 1 आवर और 2 घंटा चौथा ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, आपका 2 आवर्स। क्यों, 2 घंटे में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, सेटलमेंट हो जाता है, अगर नहीं हुआ तो पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा अगर गलत अकाउंट नंबर डाला कुछ भी। तो ऑपरेटिंग आवर्स अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT फॉर वीक डेज आर पर ऑप्शन 9 बोलता है कि जो ऑपरेटिंग मतलब जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT है जो उसका ऑपरेटिंग आवर्स क्या है वीक डेज में, वीक डेज का मतलब क्या होता है यार, यहाँ पे देखिए मंडे टू फ्राइडे। तो पहला है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, दूसरा है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, तीसरा है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, चौथा 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, सुबह 8 से लेकर शाम के 7 बजे तक। फिर ऑपरेटिंग आवर्स अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT फॉर सैटरडेज आर, तो सुबह देखिए आप सैटरडे का भी वही टाइम है,
पर इसमें ऑप्शन पड़े दे रहे थे, सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, फिर सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक, सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक। तो एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे बात समझिए, ये भी अब सैटरडे भी फुल वर्किंग डे है, तो यहाँ पे भी अब हो गया 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो। फिर आइए, द नंबर ऑफ आवरली बेसिस अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT ऑन वीक डेज आर, बोलते हैं जो नंबर ऑफ आवरली बेसिस होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT का वीक डेज में क्या है, 15, पहला, दूसरा 12, तीसरा 11, चौथा 10, तो सही ऑप्शन क्या है 12। फिर आइए, नंबर ऑफ आवरली बेसिस अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT ऑन सैटरडे आर, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 6, तीसरा है 5, चौथा है 4, यहाँ भी 12 बेचेज बनता है। पहला सवाल है कि द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी PMEGP यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है PMEGP क्या है, तो पहला ऑप्शन है इट हैज डिजाइंड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एंड अर्बन एरिया, दूसरा है रिलेट्स टू द सेटिंग अप ऑफ न्यू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स फॉर इंडस्ट्रीज सर्विसेज एंड बिजनेस, तीसरा है कवर्स होल ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, चौथा है आपका हैज रिप्लेस PMRY एंड KVIC-REGP स्कीम, और लास्ट में ऑल द अबव, यानी इसमें सारी बातें जो ये बता रहा है सारे ऑप्शन सही है, यानी ऑल द अबव होगा ई। फिर आइए, टू बी एलिजिबल फॉर लोन अंडर PMEGP मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज क्लास पास इन प्रोजेक्ट, इन केस प्रोजेक्ट अबव ₹10 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर एंड अबव ₹5 लाख इन द बिजनेस और सर्विस सेक्टर, बोलते कि जो जिसको एलिजिबिलिटी मिलती है लोन के लिए PMEGP के तहत, जो कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए और वो कितना क्लास पास किया होना चाहिए वो बता रहे हैं आपको, जहां पे कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो 10 लाख रूपये से ज्यादा लोन नहीं मिलेगा, असल 10 लाख रूपये से ऊपर के लोन के लिए और 5 लाख से ऊपर के लोन के लिए बिजनेस और सर्विस सेक्टर में, पहला है 8वीं पास, दूसरा 9वीं पास, तीसरा है 5वीं पास, चौथा है 7वीं पास, लास्ट में कोई भी ऑप्शन से नहीं, सही ऑप्शन क्या जाएगा इस केस में आपका हो जाएगा 8वीं पास। फिर टू बी एलिजिबल अंडर PMEGP द एप्लीकेंट एज शुड बी, बोलता है कि आपको जो एलिजिबिलिटी चाहिए होता है PMEGP के तहत, एप्लीकेंट का एज क्या होना चाहिए, पहला है नॉट मोर देन 40 ईयर्स, फिर सेकंड है नॉट लेस देन 18 ईयर्स, फिर लास्ट में 20 बिटवीन 25 टू 40 ईयर्स, और लास्ट में अबव 18 ईयर्स, तो सही ऑप्शन 18 साल से ऊपर का उम्र होना चाहिए तभी आपको PMEGP के तहत आपको आप उसके तहत एलिजिबिलिटी आएगी, ठीक है। फिर अंडर PMEGP द परसेंटेज ऑफ द मार्जिन मनी सब्सिडी शुड गो टू द प्रोजेक्ट इन रूरल एरियाज, बोलता है PMEGP के तहत कितना प्रतिशत का जो मार्जिन मनी है जो आपको सब्सिडी के रूप में मिलता है जाना चाहिए प्रोजेक्ट में रूरल एरिया में, पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा 40%, तीसरा 30%, चौथा है 7%, पांचवा है 50%, तो सही ऑप्शन क्या है 50% मिलेगा। फिर टू बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंस अंडर PMEGP द फैमिली इनकम ऑफ द एप्लीकेंट शुड नॉट एक्सीड, बोलता है कि अगर आपको PMEGP के तहत किसी भी तरह का सहायता चाहिए, मदद चाहिए, तो जो परिवार का इनकम होगा एप्लीकेंट को ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि आपको एलिजिबिलिटी आ सके, पहला 24 लाख 24 हजार रूपये पर एनम, दूसरा है 30 हजार रूपये पर एनम, तीसरा है आपका 40 हजार रूपये पर एनम, चौथा है 60 हजार रूपये पर एनम, लास्ट में कोई भी लिमिट नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कोई भी लिमिट नहीं है। फिर अंडर PMEGP द रिपेमेंट पीरियड कैन बी आफ्टर मॉर्टम पीरियड एज पर बैंक डिस्क्रिप्शन, बोलते जो PMEGP के तहत जो पैसा भरते हैं लोन का पैसा जो चुकाते हैं जो रिपेमेंट पीरियड होता है मॉर्टम पीरियड के बाद वो क्या कितना हो सकता है बैंक कितना होता है, और वो बैंक के ऊपर होता है बैंक के डिस्क्रिप्शन पर होता है, पहला 3 से 5 साल, दूसरा 3 से 7 साल, तीसरा है आपका 5 से 7 साल, चौथा है आपका 5 से 9 साल, और लास्ट में है आपका नन ऑफ द अबव, ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में ए 3 से 5 साल, तो सॉरी 3 से 5 नहीं 3 से 7 साल है, सॉरी गलत बोल दिया 3 से 7 साल है, ठीक है। फिर देखिए, डेट ऑफ सब्सिडी अवेलेबल अंडर PMEGP इज, बोलते हैं जो रेट होता है सब्सिडी का जो PMEGP के तहत मौजूद होता है वो क्या है, पहला है जनरल कैटेगरी बोरोवर्स का 15% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इन अर्बन एरियाज, फिर दूसरा है 25% इन रूरल, सॉरी पहला क्या है आपका जनरल कैटेगरी बोरोवर्स के लिए 15% है
budget cost in urban areas और 25% है rural areas में, special category borrowers के लिए 25% budget cost है urban area में, 35% है rural area में, तीसरा है 15% rural area में और 15% है urban area में for general category borrowers के लिए. D option है both A and B, और last का option है E, यानी कोई भी सही नहीं है. तो सही option क्या हो जाएगा, B, यानी A और B दोनों option सही है. फिर अंडर पीएमईजीपी द बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एज मार्जिन मनी. बोलता है पीएमईजीपी के तहत जो बोरोवर होता है उसको इतना प्रतिशत का मार्जिन मनी देना होता है हर प्रोजेक्ट के लिए. मार्जिन मनी वो मनी होता है जहां पर अपने पॉकेट से पैसा लगाते हो. पहला ऑप्शन है 5% फॉर स्पेशल कैटेगरी एंड 10% फॉर जनरल कैटेगरी. दूसरा है 10% फॉर स्पेशल कैटेगरी एंड 5% फॉर जनरल कैटेगरी. तीसरा है 5% फॉर स्पेशल कैटेगरी एज वेल एज जनरल कैटेगरी. चौथा फॉर 10% फॉर स्पेशल एज वेल एज जनरल कैटेगरी. लास्ट में नन ऑफ द अबाउट. जो सही ऑप्शन इस केस में वो है ए, यानी आपका 5% फॉर स्पेशल कैटेगरी और 10% फॉर जनरल कैटेगरी बोरोवर के लिए. फिर मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट इन केस ऑफ सिंगल बोरोवर फॉर बिजनेस एंड सर्विस कैटेगरी अंडर पीएमईजीपी इज. बोलता है कि जो आपका सिंगल बोरोवर होता है जो कि बिजनेस और सर्विस कैटेगरी के अंडर में आता है पीएमईजीपी स्कीम के तहत, तो आप कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकता है. पहला है 10 लाख रुपए, दूसरा 25 लाख, तीसरा 5 लाख, चौथा है 2 लाख, लास्ट में इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है. तो सही ऑप्शन क्या, 10 लाख रुपए तक का आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकता है. फिर अंडर पीएमईजीपी स्कीम द रूरल एरिया मीन्स प्लेस नोटिफाइड एज रूरल एरिया इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड विद पॉपुलेशन. बोलता है पीएमईजीपी स्कीम के तहत रूरल एरिया जो है, जिसका मतलब है कि वहां पर जो प्लेसेज नोटिफाइड है रूरल एरिया में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जनसंख्या के साथ, पहला है 10,000 रुपए, फिर दूसरा है 10,000 से कम रुपए, तीसरा है अप टू यानी ज्यादा 10,000 रुपए, और लास्ट में ज्यादा 20,000 रुपए, और पांचवा है इनमें से कोई भी सही नहीं है. तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको 20,000 रुपए तक का, आप ये समझिए कि 20,000 रुपए से इनका. तो पहला सवाल देखेंगे, What is the income criteria in case of DRI eligibility? क्या income criteria होता है अगर DRI eligibility का case में? तो यहाँ पे पहला option है ₹11,800 in urban areas and ₹11,250 in rural areas. दूसरा है all persons below poverty line. तीसरा है आपका ₹18,000 in rural areas and ₹24,000 in urban areas. और चौथा आपका ₹24,000 इन रूरल एरिया एंड ₹18,000 इन अर्बन एरिया. जो सही ऑप्शन है इस केस में हो जाएगा सी, ठीक है, यानी ₹18,000 इन रूरल एरिया, ₹24,000 इन अर्बन एरिया. फिर दूसरा सवाल देखेंगे, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ लोन डेट इज परमिटेड अंडर डीआरआई. किस एक्सटेंट तक का लोन परमिट होता है डीआरआई में? पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी अप टू ₹15,000, दूसरा है अप टू ₹5,000 एज एडिशनल लोन टू डिसेबल्ड पर्सन, तीसरा है हाउसिंग लोन अप टू ₹20,000 टू SC/ST और SC/ST और अंडर इंदिरा आवास योजना. फिर चौथा है ऑल द अबव. तो सही ऑप्शन इस केस में सारे ऑप्शन सही हैं, यानी ऑल द अबव. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सिडी मार्जिन और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन DRI? तो क्या आपके अमाउंट है सब्सिडी का, मार्जिन का, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट DRI में? सब्सिडी है 15%, मार्जिन है 5%. पहला ऑप्शन सब्सिडी 15% है, बी ऑप्शन मार्जिन 5% है, सी है रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% फॉर लोन अप टू ₹6,500 एंड अबव दैट नॉर्मल रेट, चौथा है आपका नो मार्जिन एंड सब्सिडी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%. तो सही ऑप्शन है इस केस में डी, यानी किसी भी तरह कोई मार्जिन नहीं चाहिए जब भी आप लोन लेने जाते हैं, और आपको सब्सिडी भी मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 4% है. फिर रीपेमेंट पीरियड इन DRI इज. बोलता है जो रिपेमेंट पीरियड यानी पैसा भरने का जो समय होता है DRI में वो क्या है? पहला ऑप्शन है 5 ईयर्स प्लस मॉरेटोरियम ऑफ 2 ईयर्स, दूसरा है 5 ईयर्स इंक्लूसिव ऑफ मॉरेटोरियम अप टू 2 ईयर्स, तीसरा है 5 ईयर्स इंक्लूसिव ऑफ मॉरेटोरियम पीरियड टू बी डिसाइडेड बाय द बैंक, चौथा है 7 ईयर्स प्लस मॉरेटोरियम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स. तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है रिपेमेंट पीरियड DRI का वो है 5 ईयर्स इंक्लूसिव ऑफ मॉरेटोरियम पीरियड अप टू 2 ईयर्स. बोलता है कि 5 साल का पीरियड होता है, मॉरेटोरियम पीरियड 2 साल तक आप दे सकते हैं, इसी पीरियड के भीतर पैसा आपको भर देना है DRI का, बी ऑप्शन. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन अंडर DRI स्कीम अदर देन हाउसिंग लोन टू SC/ST. बोलता है मैक्सिमम अमाउंट का लोन क्या होगा DRI स्कीम में हाउसिंग लोन के अलावा SC/ST को. पहला है ₹1,000, दूसरा है ₹5,000, तीसरा है ₹6,500, चौथा है ₹20,000 और पांचवा है ₹15,000. जो सही ऑप्शन है
वो है रुपीज 15,000। फिर एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल एडवांसेस ग्रांटेड अंडर डीआरए स्कीम शुड गो टू द एससी एसटी। बोलता है एटलीस्ट कितना, मतलब कम से कम कितना प्रतिशत का जो टोटल एडवांस होगा डीआरए स्कीम के तहत वो जाना चाहिए एससी एसटी लोगों को। पहला है यहाँ पे 22.5%, दूसरा है आपका 25%, तीसरा 40%, चौथा 50%, पांचवा है नन ऑफ दीज। जो सही ऑप्शन है वो है सी, यानी आपका हो गया 40%। फिर है ऑफ एडवांसेस ग्रांटेड, अब बोलता है कितना एडवांस का ग्रांट किया जाएगा डीआरआई स्कीम में, जो कि ग्रांट किया जाता है रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेज में। पहला है 1/4, मतलब कितना प्रतिशत का या कितना परसेंटेज बोले या कितना पार्ट बोले लोन का एडवांसेस ग्रांट करेंगे डीआरआई स्कीम में, जो कि ग्रांट किया जाता है रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेज के थ्रू। पहला है 1/4, दूसरा है 1/3, तीसरा है 1/2, चौथा है हाफ, पांचवा है नन ऑफ दीज। जो सही ऑप्शन है इस केस में वो क्या हो जाएगा आपका 2/3। फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन टू एससी एसटी अंडर डीआरआई स्कीम इज, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन क्या होगा एससी एसटी लोगों के लिए डीआरआई स्कीम के तहत। तो पहला है 1,000, दूसरा है 5,000, तीसरा 6,500, चौथा आपको 20,000, उसके बाद है लास्ट में आपका 15,000 रूपये। जो सही ऑप्शन है इस केस में वो क्या हो जाएगा 6,500 रूपये। फॉर बींग एलिजिबल अंडर डी आर आई स्कीम द एनुअल इनकम ऑफ द बेनिफिशियरी शुड नॉट बी मोर देन। बोलता है कि अगर आपको एलिजिबिलिटी लेना होगा डी आर आई स्कीम के तहत, तो एनुअल इनकम है बेनिफिशियरी का जिसको बेनिफिट मिल रहा है उसका पैसा कितने रूपये ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहला है 18,000 रूपये गांव में और सेमी अर्बन एरियाज में, दूसरा 18,000 रूपये गांव में और 24,000 रूपये अर्बन एरियाज में, तीसरा 18,000 रूपये गांव में रूरल एरिया में और 24,000 रूपये सेमी अर्बन और अर्बन एरियाज में, चौथा है बोथ ए एंड बी, पांचवा है इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डीआरआई स्कीम, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है रिगार्डिंग डीआरआई स्कीम के ऊपर। पहला है नो सब्सिडीज अवेलेबल, दूसरा मार्जिन इज नील, तीसरा कॉलेट्रल सिक्योरिटी और थर्ड पार्टी गारंटी नॉट टू बी टेकन इवन इफ ऑर्डर्ड, चौथा आपका मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड इज 5 years इंक्लूडिंग इनिशियल मॉनिटरिंग ऑफ 2 years, नन ऑफ दिस। तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, सारे ऑप्शन जितने बताए गए हैं सारे चीज करेक्ट है इसमें, तो इसमें सही नहीं वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है। सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में। तो पहला ऑप्शन आता है आपका मदरबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है कार्ड, तीसरा ऑप्शन है मेमोरी, चौथा ऑप्शन है पोर्ट, पांचवा ऑप्शन है पावर सप्लाई। जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इस केस में मेमोरी, बाकी सारे हार्डवेयर है मेमोरी हार्डवेयर नहीं होता। विच ऑफ द सॉफ्टवेयर डेट कंजिस्ट ऑफ ऑल द प्रोग्राम लैंग्वेजेस, ऑल द प्रोग्राम्स लैंग्वेजेस एंड डॉक्यूमेंट सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, बोलते हैं सॉफ्टवेयर कंजिस्ट करता है प्रोग्राम्स को, लैंग्वेजेस को, डॉक्यूमेंट्स को जो सप्लाई किया जाता है मैन्युफैक्चरर को, कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरर को, तो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डी ऑप्शन है ए एंड सी, ई ऑप्शन है बी एंड सी। जो सही ऑप्शन है इस केस में वो क्या है बी, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर है विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज बाई पर्सन फॉर प्रिपरेशन ऑफ टैक्स डॉक्यूमेंट, मतलब किस टाइप का सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है पर्सन के द्वारा जब प्रिपेयर करता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। पहला ऑप्शन है डाटा प्रोसेसर, दूसरा है वर्ड प्रोसेसर, तीसरा है कंपाइलर, चौथा है मल्टीमीडिया, पांचवा है बी एंड सी। सही ऑप्शन क्या है वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा। फिर द टर्म हॉट लिस्टिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड रेफर्स टू, जो बोलता है जो टर्मिनोलॉजी यूज किया गया हॉट लिस्टिंग क्रेडिट के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए रेफर क्या चीज के लिए करता है। तो पहला ऑप्शन है इनहेंसिंग क्रेडिट लिमिट, दूसरा रिड्यूसिंग क्रेडिट लिमिट, तीसरा है लिस्ट ऑफ कार्ड होल्डर्स हु डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू द इश्यूअर, पांचवा है चौथा है एनी ऑफ द अबव। इसका सही ऑप्शन क्या है सी, यानी लिस्ट ऑफ कार्ड होल्डर्स हु डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू द इश्यूअर, पांचवा है टू ऑथेंटिकेट डिजिटल सिग्नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग कीज आर यूज, आपको डिजिटल
सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट करने के लिए कौन सा कीज आपको चाहिए, पहला मास्टर की और दूसरा कस्टमर की, तीसरा प्राइवेट की एंड पब्लिक की, चौथा आपका तीसरा आपका प्राइवेट की एंड कस्टमर की, चौथा आपका पब्लिक की एंड स्पेशल की। तो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी प्राइवेट कीज एंड पब्लिक की। फिर अच्छा था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गिव्स लीगल रिकॉग्निशन टू द डिजिटल सिग्नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गिव्स लीगल रिकॉग्निशन टू द डिजिटल सिग्नेचर। पहला ऑप्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, दूसरा इनकम टैक्स एक्ट, तीसरा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, चौथा इंडियन एम्बुलेंस एक्ट, पांचवा है जनरल क्लाउज एक्ट। जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सी है, यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। फिर है द टर्म हॉट कार्ड रेफर्स टू, जो टर्म है हॉट कार्ड रेफर क्या चीज को करता है, लॉस्ट कार्ड को, स्टॉलन कार्ड को, मिसप्लेस कार्ड को, मिसयूज कार्ड को, या इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन सही है। ठीक है, तो यहाँ पता है टर्म हॉट कार्ड रेफर्स टू लॉस्ट कार्ड, स्टॉलन कार्ड, मिसप्लेस कार्ड, मिसयूज कार्ड, विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है ए बी सी, दूसरा ऑप्शन ए बी डी, तीसरा ऑप्शन ए बी डी, चौथा ऑप्शन है डी सी बी डी सॉरी बी सी डी। सही ऑप्शन है इस केस में, यानी वो है ए बी सी। बोलते हैं टर्म वी सेट स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, जो वी सेट टर्मिनोलॉजी है वो क्या चीज के लिए स्टैंड करता है। पहला ऑप्शन है वेरिएबल स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, दूसरा है वेरी स्मॉल अवेलेबल टर्मिनल, तीसरा है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, चौथा है वैरायटी ऑफ स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, और पांचवा है नन ऑफ द अबव। जो सही ऑप्शन है इस केस में वो हो जाएगा आपका वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। सी ऑप्शन। फिर देखिए द फ्रॉड्स एंड अदर काइंड ऑफ क्राइम्स दैट हैपन ऑन द इंटरनेट नेटवर्क आर कॉल्ड, जो फ्रॉड्स और दूसरे तरह का क्राइम होता है इंटरनेट नेटवर्क उसको हम क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन इंटरनेट फ्रॉड, दूसरा इंटरनेट क्राइम, तीसरा साइबर क्राइम, चौथा इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स, पांचवा है ऑल द अबव। सही ऑप्शन क्या है, साइबर क्राइम हम उसको बोलते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ साइबर क्राइम एक्टिविटी, इनमें से कौन सा ऐसा, इनमें से कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जिसको कि हम साइबर क्राइम एक्टिविटी में ट्रीट नहीं करते हैं। पहला हो जाएगा द सर्फिंग डोमेन नेम, दूसरा हो जाएगा मिस कन्फिगरिंग ए वेबसाइट, तीसरा हो जाएगा मिस यूजिंग ए क्रेडिट कार्ड, चौथा हो जाएगा ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ग्लोब टू अनदर, पांचवा हो जाएगा यूजिंग द नेटवर्क फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग, जो साइबर क्राइम एक्टिविटी में नहीं आता है वो हो जाएगा यूजिंग द नेटवर्क फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग, बाकी सारी चीजें साइबर क्राइम एक्टिविटी में आता है। ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए अलग से क्राइम बना हुआ है, अलग से इसका एक्ट है, तो ये इसलिए साइबर क्राइम में नहीं कवर होता है। एक मेगा ऑफर है जो कि वैलिड है 28 अक्टूबर 2018 तक। हम आपको यहाँ पे जेबी और सेबी के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ये सारी कोर्सेज ऑनलाइन होती हैं, इसके लिए आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसकी हेल्प से सारा का सारा वीडियो कोर्सेज कर सकते हैं, केस स्टडी का वीडियो दे सकते हैं, 2000 सेट का क्वेश्चन बैंक रहेगा, 50 विजन नोट रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा। अगर आप कोई भी सिंगल जेबी सीआईबी या फिर बैंक प्रमोशन का पेपर खरीदते हैं जिसका दाम है 2000 रूपये, यही चीज ऑफर प्राइस पे 600 रूपये का रहेगा। अगर आप जेबी का कॉमो पैक खरीदते हैं, दोनों पेपर एक साथ खरीदते हैं, जिसका दाम है 4500 रूपये, ऑफर प्राइस पे 1500 रूपये रहेगा। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपल्सरी पेपर खरीदते हैं, एवी प्लस बी एफ एम, जिसका दाम है 3500 रूपये, ऑफर प्राइस में चीज 1100 रूपये रहेगा। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपल्सरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग खरीदते हैं, जिसका दाम है 4500 रूपये, ऑफर प्राइस में 1500 रूपये रहेगा। 10 मॉक टेस्ट बन जाते हैं कोई पेपर का, दाम है 199 रूपये, और कॉमो पैक मॉक टेस्ट का 399 रूपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946, और वेबसाइट में विजिट करके डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.jbcbstudymetal.com, ईमेल आईडी हो गया seedsiragundi@gmail.com। यहाँ पे एक मेगा ऑफर और ऑफर लिमिटेड पीरियड तक है, यहाँ पे आपको जेबी और सीआईबी के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, सारे कोर्सेज ऑनलाइन मोड पे होता है, यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, उसके हर साल वीडियो लेक्चर कोर्सेज कर सकते हैं, केस स्टडी का वीडियो कर सकते हैं, 2000 क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्विक रिवीजन नोट रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहता है। अगर आप जेबी का प्रिंसिपल और लीगल पेपर करते हैं, पीपीटी वीडियो कोर्स के दाम है 600 रूपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स के दाम है 1200 रूपये, जेबी का अकाउंटिंग का पीपीटी वीडियो कोर्स करते हैं दाम है 800 रूपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 1500 रूपये, जेबी का कॉमो पैक करते हैं यानी पेपर एक साथ करते हैं, पीपीटी वीडियो कोर्स के दाम है 1500 रूपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स के दाम है 3000 रूपये, सीआईबी का ईबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग कोई भी करते हैं, पीपीटी वीडियो कोर्स के दाम है 800 रूपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स के दाम है 1500 रूपये, सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर करते हैं ईबीएम प्लस बीएफएम, तो इसका पीपीटी वीडियो कोर्स के दाम है 1500 रूपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स के दाम है 2700 रूपये, सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर करते हैं ईबीएम प्लस बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग, पीपीटी वीडियो कोर्स के दाम है 2000 रूपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स के दाम है 3500 रूपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946,
तीसरा नंबर है 7042586847। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो गया www.jibcbstudymetal.com। ईमेल आईडी हो गया 6013@gmail.com।